हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 टू 10 ऑफ एक्सरसाइज 4A। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। इन दिस क्वेश्चन ए पार्ट यू हैव टू फिल द मिसिंग डिजिट्स। जो आपके सर्कल दिख रहे हैं जो मिसिंग हैं, इन्हें आपको फिल करना है। ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू एड बिकॉज सिंबल ऑफ एडिशन इज गिवन। सो हियर इट इज 8 एंड यहाँ पे आपका 0 है। सो इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका 0 आ जाए। सो अगर हम 8 में 2 ऐड करेंगे सो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, सो इस 10 का 0 लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड की जो होती है उसे लिखते हैं और जो लेफ्ट वाली होती है वो क्या होती है, कैरी चली जाती है। इट मीन्स हमको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा 0 के लिए, और 0 नहीं आ सकता है। फिर आप माइनस करते 8 माइनस 8 तब 0 आता, बट यहाँ पे आपको एडिशन का सिंबल गिवन है, इट मींस हम इसमें ऐड करेंगे। सो वो कौन सी डिजिट होगी, 2 होगी। सो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा। अब ये 1 कैरी गया 1, और ये 7 है प्लस 7, 1 प्लस 7 8 हो गया, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सो 1 प्लस 7 8 हो रहा है, इसमें और क्या ऐड कर देगी, 9 हो जाए, हमको इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। सो इस सर्कल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपका 2 गिवन है, और यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है नीचे ऐड करने पे 1 आ रहा है। इट मीन्स हम 2 में क्या ऐड कर दें, 2 में अगर हम 9 ऐड करें देन आपका क्या जाएगा, आपका 11 आ जाएगा, और इस 11 का हम 1 लिखेंगे एंड 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, सपोज 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, हमको 9 ऐड करना पड़ेगा। सो 2 प्लस 9 11, 11 का हमने 1 लिखा और जो 1 है वो कैरी गया। अब ये कितना हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, बट आपका यहाँ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सो 1 प्लस 6 7, सो उसमें 2 अगर ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा। सो इस सर्कल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9। देन यहाँ पे आपका 6 गिवन है और यहाँ पे आपका 8 आ रहा है। सो 6 में कितना ऐड कर दें, 8 हो जाएगा, 2 ऐड कर दें। सो इस सर्कल में 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8। एंड यहाँ पर आपका क्या गिवन है, 4, और आपका यहाँ पर आ रहा है 9। इट मीन्स हमको 4 में 5 ऐड कर दे तो 9 हो जाएगा। सो आपका सर्कल में आ जाएगा 5। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इजिली फाइंड आउट द मिसिंग डिजिट्स। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेखा हैज मूव्ड टू हर न्यू फ्लैट, शी स्पेंट रुपीज 2,48,000 ऑन फर्नीचर, रुपीज 4,111 ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रुपीज 38,015 ऑन फर्निशिंग। फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा। इट मींस रेखा अपने न्यू फ्लैट में मूव करी है। ठीक है, वो न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो गई है और वहां पे उसने 2,48,000 रुपीज एंड रुपीज 4,11 स्पेंड किए इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड रुपीज 38,015 स्पेंड किए फर्निशिंग में। सो आपको फाइंड आउट करना है टोटल मनी कितनी स्पेंड करी रेखा ने, आपको टोटल मनी फाइंड आउट करना है। और जब भी हमें टोटल फाइंड आउट करना होता है वी ऑलवेज एड, हम हमेशा एड करते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो मनी इसने रेखा ने 2,48,000 फर्नीचर पर स्पेंड करी है, 4,111 इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेंड करी है एंड रुपीज 38,015 फर्निशिंग में स्पेंड करी है, इन तीनों अमाउंट को एड कर देंगे सो दैट वी कैन इजली फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंड बाय रेखा। सो ये भी लाइक डाउन, मनी स्पेंट ऑन फर्नीचर इज इक्वल टू 2,48,000, मनी स्पेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू रुपीज 4,111 एंड मनी स्पेंट ऑन फर्निशिंग इज इक्वल टू रुपीज 38,015। टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा व्हाट वी डू, वी विल एड हियर 0 प्लस 1 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 8 वी लाइट डाउन 16 होगा, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, 1 जो कैरी जाएगा उससे, और 5 4 कट करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 3 8, 2 प्लस 4 6। सो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट जो रेखा ने स्पेंड किया, रुपीज 6,86,126। सो रेखा स्पेंड रुपीज 6,86,126। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिनेश अ बिजनेसमैन हैड टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 1 करोड़ फ्रॉम अ बैंक टू सेट अप
his factory if he has paid off ₹2,98,000 till now, how much more does he need to pay to settle his loan? It means Dinesh, जो कि बिजनेसमैन है, उसने बैंक से लोन लिया ₹1 करोड़ का अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए. देन उसने दिनेश ने ₹2,98,000 जो लोन लिया था उसमें से ₹2,98,000 अभी तक पे कर दिया है. सो आपको फाइंड आउट करना है कि दिनेश को अभी और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अपना लोन सेटल करने के लिए. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? इट इज वेरी सिंपल. दिनेश ने जितना अमाउंट लिया था लोन का, उसमें से जितना अमाउंट वो अभी तक पे कर चुका है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. हमें पता चल जाएगा कि हम अभी दिनेश को और कितना अमाउंट पे करना है लोन को सेटल करने के लिए. ठीक है, सुनो क्या करेंगे, जितना उसने अमाउंट लोन लिया था, ठीक है, और जो अभी तक वो पे कर चुका है, सो जो उसने टोटल लोन लिया था उसमें से जितना उसने अभी तक पे कर दिया है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. पता चल जाएगा उसे भी कितना और अमाउंट पे करना है लोन को सेटल डाउन करने के लिए. सो वी कैन राइट अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय दिनेश इज इक्वल टू रुपीज, इट इज गिवन 1 करोड़. सो हाउ कैन वी राइट डाउन 1 करोड़? 1,10,000, 10,000, 10 लाख करोड़, ₹1 करोड़. देन अमाउंट पेड बाय हिम टिल नाउ, और अभी तक उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है, ₹2,98,000. देन अमाउंट ही नीड्स टू पे टू सेटल हिज लोन, और अभी उसे कितना और अमाउंट पे करना है अपना लोन सेटल करने के लिए. हम क्या करेंगे, जितना उसने लोन लिया था उसमें से जितना अमाउंट वो पे कर चुका है अभी तक उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हियर वी विल सब्ट्रैक्ट एंड इट विल बी 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0. Then we cannot subtract 0 from 8 as it is smaller than 8. So it will borrow 1 tenth. अभी कहां से borrow लेगा, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 है. So यहां से 1 tenth borrow करेगा ये वाला 0. So जब 1 tenth borrow करेगा तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, और 1 tenth borrow करने के बाद इस 0 के पास 10 आ जाएगा. Then इस 10 से ये वाला 0 1 tenth borrow करेगा, यहां पे 9 आ जाएगा, and 1 tenth borrow करने के बाद यहां पे 10 आ जाएगा. Then, इस 10 से ये वाला 0 1 tenth बोरो करेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और बोरो करने के बाद इस 0 के पास 1 tenth बोरो करने का 10 हो जाएगा. Then, finally, इस 10 से ये वाला 0 1 tenth बोरो करेगा, because ये एक से smaller था. So, 1 tenth बोरो करने के बाद यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पर क्या 0 का क्या जाएगा, 10 आ जाएगा. Now, we will subtract 10 minus 8 2, 9 minus 9 0, 9 minus 2 7, और यहाँ पे 0 ही 9 है. So, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, ना भी लेके कोई फर्क नहीं पड़ना है. इट मीन्स अभी उसे कितना अमाउंट और पे करना पड़ेगा, 1,10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, मीन्स ₹97,02,000 अभी दिनेश को और पे करना है अपना लोन सेटल करने के लिए. सो वी कैन से सो ही नीड्स टू पे ₹97,02,000 टू सेटल हिज लोन. ओके, so students, in the next video I will explain the rest of the questions of this exercise 4A. Okay, thank you.